पाक मुस्लिम आरक्षण की जिस पर आज फिर सियासत गर्मा गई है, जिस हरियाणा में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने, आज उसके महेंद्रगढ़ जिले में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया और साफ कर दिया कि हरियाणा में बीजेपी की चुनावी लड़ाई उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रहेगी जो लोकसभा चुनाव के वक्त हावी थे। अमित शाह ने एक बार फिर आरोप लगाया कि कांग्रेस ओबीसी के हक का आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहती है। उधर जवाब देने के लिए कांग्रेस भी आगे आई और बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू की याद दिलवाई, जिनकी पार्टी मुस्लिम आरक्षण की हितैषी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का, यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। देखिए, प्रॉब्लम अमित शाह की सीरियल लायर है, इनके जो सरकार ही गिर जाएगी तेलुगु देशम का। अमित शाह को बोलो कि पहले नायडू को हटाए, ठीक है, नायडू को पहले बर्खास्त करो, या नायडू से समर्थन लेना बंद करो, जेडीएस से समर्थन लेना बंद करो, तब अपने जो है मुंह खोलिए मिस्टर अमित शाह। मोदी जी अमित शाह जी को निकाल देंगे। तो हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने और उसी की पानगी दिख रही है कि किस तरह से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।